आज सुनवाई हुई थी, सरकार ने इसमें कुछ दस्तावेज पेश किए हैं और कोर्ट को बताया है कि कल एक दिन के अंदर सरकार ने 11 कॉलेजों से 90 लाख रुपए वसूल किए हैं। इसके अलावा 8 कॉलेजों को सील कर दिया है, उनके परिसर को सील कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने 7 कॉलेजों के इंदौर में बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और सरकार ने ये सभी कार्रवाइयों का ब्यौरा पेश कर कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा पूरे 14 करोड़ की बची हुई रिकवरी करने के लिए। कोर्ट ने सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पे लिया और सरकार को अंतिम मोहलत 10 दिन की दी है और साथ ही ये भी कहा है कि अगली सुनवाई में अब किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी, इसलिए सरकार को 10 दिन के अंदर सारी वसूली सुनिश्चित करनी होगी। वो छात्रों की पढ़ाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था कॉलेजों को करनी होगी।